जन्नत को जितना आसान आपने समझा है उतना आसान नहीं है। आज आपको पता है टीवी पर 72 होरों पे जो डिबेट हो रहा है उसके भी जिम्मेदार हम हैं। हम हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने जहन्नम का कभी खौफ नहीं दिखाया। हमने कहा मरिएगा तो 72 हूर मिलेगी। हमने गैरों को बोलने का मौका दिया है। और ये सारी बातें आज किसी जलसे में माफ कीजिएगा, अगर बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा मेरी बात, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। सीधी सी बात है। आज हम अपनी बात, खालिस अपनी बात, अपनी कौम तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते भाई। इसलिए कि मोबाइल है, यूट्यूबर है, चैनल है, उसके जरिए अपने बेगाने सब देख रहे हैं। खालिस अपनी बात हम आपको कैसे पहुंचाएंगे कि आपको क्या करना है। तो जन्नत को जितना आसान आपने समझा है, जन्नत आसान नहीं है। बात आ गई तो एक बात सुन लो। आला हजरत फाजिले बरेलवी वाज फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। आपने दौराने तकरीर फरमाया कि आलिम कयामत के मैदान में कयामत के दिन शिफात करेगा। जब तकरीर खत्म हुई तो लोग आए आला हजरत की बारगाह में, कहा कि हुजूर आप वादा कीजिए कि कल कयामत के दिन आप हम लोगों की शिफात करेंगे। इतना सुनने के बाद आला हजरत की आंखें बहने लगी, आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया मैं आलिम कहां हूं? अल्लाह हू अकबर। किसने कहा? आला हजरत ने फरमाया मैं आलिम कहां हूं। लोग इस रात जब करने लगे तब आपने फरमाया कि अगर कयामत के मैदान में अल्लाह ताला हमको आलिमों के सफ में उठाएगा तब हम तुम्हारी शिफात करेंगे। कितनी बड़ी बात कही है आला हजरत फाजिले बरेलवी ने। हमने मौत को भी एक मजाक समझा है, मजाक समझा है। अगर किसी नौजवान लड़का को बोलिए कि भाई नमाज की पाबंदी करो, कहे मुआ साहब अभी उम्रे क्या हुई है, मेरा बाप पढ़ ही नहीं रहा तो हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी उम्र हो जाने दीजिए तब पढ़ेंगे। किसी के पास पैसा है, दौलत है, कहिए कि साहब जाइए हज कर लीजिए, कहा रुकिए ना आगे साल करेंगे। अभी बालासोर ट्रेन का हादसा हुआ है, हजारों लोग उसमें मारे गए हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे आज नहीं कल से नमाज पढ़ेंगे, मगर उनको क्या पता था कि बालासोर में मेरी जिंदगी का आखिरी हिस्सा होगा। आप थोड़ा संजीदा होकर के सोचे। मैं तो मुबारकबाद देता हूं मौलाना सिकंदर साहब को, जाने वाले दुनिया से चले गए। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपकी बात, मेरी नजर में वो बाप कामयाब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो बाप कामयाब नहीं है जो दुनिया में खेत खलियान छोड़कर चला जाए। वो बाप कामयाब नहीं है जो LIC छोड़कर चला जाए, सहारा इंडिया छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप कामयाब है जो दुनिया में एक आलिम दीन बेटा छोड़कर चला जाए। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। इतना तो जानते हैं कि मां साहब
चलिए फातिया कर दीजिए। गए मुआजा फातिया करने, आपके अब्बा दादा जिसके नाम से फातिया करना हो किए, मगर हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो ये जरूर कहेंगे अल्लाहुम्मा रब्बना गफिरली वले वालिदैया वले वालिदैया। ये दुआ करेंगे। आज सरकार फरमाते हैं जो शख्स अपनी माँ और अपने बाप की मगफिरत की दुआ करता है अल्लाह उस बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने क्या समझा है मौत को? मौत को क्या समझा है? मौत को क्या समझा है भाई? मैं मुबारकबाद देता हूं, बेटे को सब पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर फिलॉसफर साइंसदान सब बनाओ, मगर अपने बेटे को इतना पढ़ा दो कि तुम्हारे इंतकाल के बाद कम से कम तुम्हारी कब्र पर हाजिर होकर कुरान की चंद आयते करीमा की तिलावत तो करो। इतने सारे लोग हैं यहां से है मेरे तरफ देखो, उन नदीम फैजी साहब जा रहे हैं, वो जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया उसको कि पढ़ने के साथ साथ लोग उनको देखते भी हैं। 5-6 साल और देखेंगे, सब जिंदगी भर जवान नहीं ना रहे भाई। एक बात बता, इतने लोग हैं, इसमें से कितने लोग हैं जो हफ्ता में एक दिन कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ते हैं? हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह 2-3 लोग हैं। तुम दो बेटा, तुम्हारा चेहरा मौलवी नुमा है, तुमको तो जाना चाहिए। अब सुन लो एक बात, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर सलाम करता है, बेवजू होकर नहीं बावजू होकर। अभी हाजी साहब लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हाजी साहब गए, अब हज भी तो एक ड्रामा हो गया है। अभी मैंने देखा एक हाजी साहब को लोग ढोल ताशा के साथ रुखसत कर रहे थे। ये क्या मजाक है, ये क्या बेहूदगी है? तुम हज करने जा रहे हो बेटे, ड्रामा करने जा रहे हो, ढोल ताशा से तुम्हारा इस्तकबाल किया जा रहा है? ये मुहर्रम का अखाड़ा है, कहां भेज रहे हो समाज को, कहां भेज रहे हो माजरे को? अगर यही बात इमाम मस्जिद के मैक से कह दे तो पूरा हाजी का घराना मुखालिफ हो जाए। मेरा तो कुछ करने लोगे, हम तुम्हारा इमाम तो आए नहीं। ये क्या है भाई, ये मजाक बना लिया, हज को एक नुमाइश बना लिया है। बहरहाल एक हाजी 4-5 लाख खर्च करता है तब उसको तवाफे काबा करने के बाद तवाफे काबा का सवाब मिलता है। मगर सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर पहुंचार का अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान वापिस आ गया, बाप नहीं है बाप की कब्र पर गया अरका अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान वापिस आ गया। ये नहीं कि दरूद शरीफ पढ़ा, तिलावत किया, कुरान पाक पढ़ा। आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर सलाम करके वापिस आता है, अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री खत्म नहीं होती है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों इसके नाम आमाल में 1 हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर,
सिर्फ सलाम सुभान अल्लाह बेशक सलाम करके। मौत क्या है आपको पता है? बहुत मौत की सख्ती क्या है आपको मालूम है? अल्लाह अकबर। खासकर अपने नौजवानों से कहूंगा कि तुम जींस पॉइंट पहनो बहुत एहतियात से, और जींस पॉइंट पहनो और नमाज पढ़ने जाओ तो कम से कम शर्ट लंबा पहनो या गंजी लंबी पहनो। इसलिए जींस पॉइंट पहनते हो और शॉर्ट गंजी पहनते हो और जब तुम रुकू में जाते हो तो बहुत खराब लगता है। हम गलत नहीं बोले भाई, एक लड़का हम पढ़ रहे थे नमाज, वो रुकू में गया, हमको उसके बगल से हट जाना पड़ा, पूरे भारत का नक्शा नजर आ रहा। ये क्या है भाई, नमाज पढ़ने गए, मजाक करने गए? आका फरमाते हैं, अच्छा एक बात बताइए, इतने लोग हैं इसमें से कितने लोगों को मालूम है मरना है? हाथ उठाइए तो। माशाल्लाह 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 सबको मालूम है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए वो सो रहे हैं, लगता उनको नहीं मालूम है कब मरना है, उनको उठाइए 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह उठ जाओ बाबू, बस 3-4 मिनट का मेहमान हो, उठ जाओ 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 उठ जाओ। मैं तो कहता हूं मौलाना सिकंदर साहब के अब्बा खुश नसीब हैं, कहिए तो कसम खा के मैं कह दूं कि ये खुश नसीब हैं। कम से कम इनके लिए दुआएं मगफिरत तो की जा रही है, कुरान की तिलावत तो की जा रही है, नाज शरीफ तो पढ़ी जा रही है, जनाजे में दुआ तो की गई, अल्लाहुम्मा फिर ले हाइये ना वमैयतेना ले हाइये ना, पहले जिंदों के लिए वमैयतेना और बाद में मुर्दों के लिए वशाहिदेना वगाइबेना वसगीरेना वकबीरेना। ये जनाजे की दुआ क्या है? ये मगफिरत की दुआ है, जनाजे की दुआ मगफिरत की दुआ है। आप एक हदीस पाक सुन लो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्र अबवैह औ अहदिहिमा गुफिर लहु व कुतिब बर्रा। आकाफ ए बाबू बैठो, तुम्हारा काम हो गया, जा रहे हो बैठो, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए पूरी हो गई। चल दिए अभी कहा जाता चैनल चालू रखो तो तुम जोहर तक बैठे रहते, कुछ तो समझो। 2 मिनट बैठो उसके बाद चले जाओ, 10 मिनट का रास्ता चले जाइए। हाँ 2 मिनट 2 मिनट बैठो है ना। देखो भूल गए क्या बोल लेते हैं, चूंकि ऐसा नहीं कि रट के आते हैं और सट के बोल देना है। आका फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्र अबवैह औ अहदिहिमा गुफिर लहु व कुतिब बर्रा। फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में किसी एक दिन, जुमा नहीं तो शनिचर को, शनिचर नहीं तो इतवार को, इतवार नहीं तो सोमवार को, सोमवार नहीं तो मंगल को, मंगल नहीं तो बुध को, बुध नहीं तो जुमरात को, जुमरात नहीं तो जुमा को। आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में किसी एक दिन अपने वालदैन की कब्र पर हाजिरी देता है या इन दोनों में से किसी एक की कब्र पर, मां नहीं है तो मां की कब्र पर, बाप नहीं है तो बाप की कब्र पर। आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में किसी एक दिन अपनी मां या बाप के कब्र पर हाजिरी देता है तो गोफेरा लहू, आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। किसकी मगफिरत? जो हाजिरी देता है। हम गए, मेरी जिंदगी का मामूल है,
आपकी माँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात है, अम्मा है ना, क्या कहना है। अल्लाह आपकी माँ को उम्र खिजरी नसीब फरमाए। अब आपके लिए चूंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह माँ की अजमत को जानते हैं, माँ के मकाम को जानते हैं, माँ के मर्तबे को जानते हैं, अब ये समझिए हजरात मौलाना सिकंदर साहब, अब आपके लिए बाप भी वही है और माँ भी वही है। जब आपके वाली साहब दुनिया में थे, इंसान है, अगर आपके भाइयों ने, आपकी बीवी ने, किसी ने गुस्से में आपकी माँ को कुछ बोल दिया, तो आपकी माँ अपनी बात आपके अब्बा से कह के अपने गम को हल्का कर लेती, हल्का कर लेती थी। मगर अगर आज आपकी बीवी या आपके भाई की बीवी अगर जोर से माँ को बोले, तो आपकी माँ झरझर रोएगी कि काश मेरा भी शौहर होता, काश मेरा भी सरताज होता। इसलिए आप अपनी अहलिया को, घर वालों को ये कह दीजिए कि मैं सारी तकालीफ को बर्दाश्त कर लूंगा, मगर अपनी माँ के आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं करूंगा। है ना भाई? हजरत को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, लेके आइए माना मुबारक साहब, लेके आइए, लेके आइए, काफी पान खा रहे हैं आप। हाँ, पान खाइए, इसलिए कि बरगे तंबूल तोहफे बुजुर्गों आज तक। पान जो है वो बुजुर्गों का तोहफा है। अल हजरत अबू अली शाह कलंदर, एक बात बीच में सुन लो, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार जाइए, जिनका मजार पानीपत में है, अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पाए के, बहुत बड़े और पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आज आप उनकी बारगाह में जाइए, दुआएं कीजिए, अल्लाह बुजुर्गों की हाजिरी के सदके दुआओं को कबूल फरमाता है। सुनो सुनो, इधर इधर ज़हन हाजिर करो, है ना, क्योंकि खुद मेरा ज़हन नहीं जा रहा है कि मैं क्या बोलूं या क्या तकरीर करूं, है ना, मगर सुनो, कुरान की एक आयत है, ऐना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ये पांचवें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है कि तुम कहीं भी रहो, पहाड़ में रहो, पत्थर में रहो, कहीं भी छुप के रहो, जब मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह कब्जे उंसुरी से परवाज कर जाएगी। हर आदमी जानता है, गौसे आजम से किसी ने पूछा था, ए सरकारे गौसे पाक, एक बात बताएं कि एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद क्या है? क्या पूछा था कि एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद क्या है? तो गौसे आजम ने फरमाया कि एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि जिस ईद के बाद मुहर्रम नहीं देखना पड़ेगा। ये जुमला था आपका, क्या मतलब? यानी जिस खुशी के बाद गम का मुंह देखने को नहीं मिले, तो गौसे आजम फरमाते हैं कि एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि उसकी मौत ईमान पर हो जाए। बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, बोलो। एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद क्या है कि उसकी मौत ईमान पर हो जाए। दुनिया से जाने वाला वो शख्स कामयाब है जो ईमान पर गया।
सरकार क्या फरमाते हैं, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, मौत जो है मोमिन के लिए एक तोहफा है। मौत मोमिन के लिए, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, सरकार फरमाते हैं मौत जो है ये मोमिन के लिए एक तोहफा है। और दूसरी जगह फरमाते हैं लक्तिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं कि जाने वाले को मरने वाले को कलमे की तलकीन करो। जब कोई जाकनी के आलम में हो, जाकनी के आलम में हो तो उसके करीब जाइए और करीब जाकर उसे कभी ये मत कहिए कि कलमा पढ़ो। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कलमा पढ़ो, कभी नहीं कहना चाहिए। आप कह रहे कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, और वो जाकिनी के आलम में है, अजीब कैफियत है। अगर उसने कह दिया कि हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो कलमे का इनकार करना ये कुफ्र है, कलमे का इनकार करना ये कुफ्र है। इसलिए फरमाया गया कि उसके पास जाओ, उसके करीब बैठो, करीब बैठकर उसे मत कहो कलमा पढ़ो, कभी मत कहो कलमा पढ़ो, बल्कि उसके इर्द गिर्द सब लोग जमा हो जाओ, दो चार पांच लोग बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे, कलमा शरीफ की तिलावत करने लगे। जब तुम जोर जोर से कलमा पढ़ोगे, कलमा शरीफ की तिलावत करोगे और तुम्हारी आवाज उसके कानों से टकराएगी तो तुम्हारी आवाज को वो सुनकर खुद ब खुद कलमा पढ़ना शुरू कर देगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हर आदमी जानता है मरना है हमको, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब जानता है मरना है, मगर किसी को ये नहीं पता है कि हमको कब मरना है। एकदम संजीदा होकर के मौत को आप आसान नहीं समझिए, आप मौत को आसानी से मत लीजिए। और खासकर मैं अपने नौजवान बच्चों से, तुम मेरे बेटे की उम्र को हो, मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, हाथ जोड़ेंगे तुमसे, तुमसे गुजारिश करेंगे कि बेटा बैग चलाओ तो बहुत एहतियात के साथ चलाओ, वजाकता बढ़िया रखो, हाथ में काड़ा पहने हो, औरतों के तरह कान छिदाए हो, अब बाल तुम 15 तरह का कलर किए हुए हो और 16 तरह से मोटरसाइकिल चला रहे हो, 110 120 के स्पीड से चला रहे हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मगर आए दिन जो होता है कि आप इधर से चला रहे हैं, कौन आकर के आपको ठोंक देगा, कौन आकर के बाएं में मार देगा, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए, हाथ में कड़ा मत पहनिए, कोशिश कीजिए कान में बाली मत पहनिए, कोशिश कीजिए कि 17 तरह बाल कलर ना करवाइए, शान से जाइए। अब जब गाड़ी पे बैठिए, गाड़ी पे बैठने के साथ सबसे पहले आप दुआए सफर पढ़ लीजिए, आप सफर की दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला सफर में आपकी हिफाजत फरमाएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट किए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, आप मोबाइल को वो उसको क्या बोलते हैं, हेडफोन ना, हेडफोन दोनों कान में घुसाए हुए हैं, अब गाना सुनने हुए मस्ती से जा रहे हैं, अब कोई हादसा हो गया, अब गाना सुनते सुनते चले गए तो चल ही जाइएगा। काश हेडफोन लगाए हुए हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाना नहीं सुन रहे हो, आप कुरान की तिलावत सुन रहे हो,
गाना नहीं सुन रहे हो, आप मुस्तफा की नात सुन रहे हो, ऐसे में कोई हादसा हो जाए और आपकी मौत हो जाए, कुरान सुनते सुनते आपके साथ हादसा होगा, आपका इंतकाल होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शहीदों का सवाब अता फरमाए। इनकलाब पैदा कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि हर वक्त हम बावजू नहीं रह सकते, तो कम अज कम एक मोमिन की शान आन बान ये है कि वो हर वक्त पाक साफ रहे, पाक साफ रहे। इसलिए कि आप जानते हैं मौत आएगी, मगर आप ये नहीं जानते हैं मौत कब आएगी, मौत का फरिश्ता कब आएगा। आप 52 पत्ता खेल रहे हो, ताश की पत्ती खेल रहे हो कि लाल मिला कि हरा, हरा मिला कि काला, काला मिला कि सादा, 12 मिला कि 15, आप देख रहे हो। और उसी वक्त अगर मौत का फरिश्ता आ गया और आपकी रूह कब्जे उन सूरी से परवाज कर गई, फिर आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपका हश्र क्या होगा। आप सोचिए जरा कि आपका अंजाम क्या होगा। आपके हाथ में शराब की बोतल हो, शराब लिए हुए हो, आप शराब पी रहे हो और उसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और आपकी रूह कब्जे उन सूरी से परवाज कर जाए, तो आप सोचिए कि आपका हश, आपका अंजाम क्या होगा। बता देना, ये मेरी जिम्मेदारी, फैसला करना आपको है। आप गाना सुन रहे हो, गाना सुनते सुनते मौत का फरिश्ता आ जाए, आपकी रूह कब्जे उन सूरी से परवाज कर जाए, बोलो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, हश्र क्या होगा। आप खड़े होकर जानवर के तरह पेशाब कर रहे हो और उसी वक्त मलकुल मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए और आपकी रूह परवाज कर जाए, तो आप दिल पे हाथ रख के खुद बताइए, खुद फैसला कीजिए कि आपका हश्र क्या होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आपका अंजाम क्या होगा? इसलिए जब आप जानते हैं मौत आएगी, तो खुदा की कसम एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए वो गाना नहीं गा रहा हो, वो अपने मुस्तफा की नात पढ़ रहा हो और उसकी रूह परवाज कर जाए। एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि उसकी निगाह सिनेमा हॉल के पर्दे पर ना हो, बल्कि उसका सर सजदे में हो और उसकी रूह कब्जे उन सूरी से परवाज कर जाए। एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए वो कुरान पढ़ रहा हो, जिक्र कर रहा हो, अपने बाप की खिदमत कर रहा हो, अपनी माँ की खिदमत कर रहा हो और उसकी रूह कब्जे उन सूरी से परवाज कर जाए, तो वो शख्स, वो इंसान कामयाब है और उसकी जिंदगी भी कामयाब। कब्र की मंजिल को आपने समझा क्या है? समझा क्या है? अब तसव्वुर कीजिए, अचानक जनरेटर चला जाए। अच्छा एक बात बताइए, कब्र अंधेरी होगी या रोशन होगी? अरे बोलिए ना कुछ भाई, अंधेरी होगी या रोशन, जोर से बोलिए ना भाई, अंधेरी होगी। कब्र अंधेरी भी होगी और कब्र इंशाल्लाह रोशन भी होगी। आला हजरत की जबान में आला हजरत फरमाते लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अरे अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी। जिसका दिल, जिसका दिल इश्क़े रसूल से रोशन है, इंशाअल्लाह ताला उसकी कब्र भी रोशन होगी। मगर हमको तैयारी करनी है, हमको तैयारी करनी है। आए दिन जुमा में, जलसे में, चहारुम में, 40वें में आप मौत के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से,
अकीदे के ताल्लुक से आप सुनते हैं, मगर आपके दिल पर इसका कितना असर पड़ता है आप जानते हैं। आज पूरी दुनिया में किस नजरिए से मुसलमान को देख रहे हैं, किस नजरिए से, आपको पता है? एक मुसलमान दिल्ली गुरुद्वारा घूमने के लिए गया, हजरत सुनिए, गुरुद्वारा घूमने के लिए गया, देखा बहुत भीड़ भाड़ है गुरुद्वारा के बाहर, सोचने लगा कि अपने जूते को कहाँ रखे। एक पंजाबी आया, उसने कहा लगता है कि तुम मुसलमान हो। गौर से सुनिएगा, कहा हम मुसलमान है। कहा आपको कैसे पता चला? कहा तुम सोच रहे हो ना कि हम अपने जूते को कहाँ रखे कि चोरी ना हो। कहा जहां चाहो रख दो, ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये हम लोगों का गुरुद्वारा है। कितना बड़ा जुमला उसने कहा कि ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये हम लोगों का गुरुद्वारा है, जहां जो सामान रखोगे दोबारा आओगे तो तुमको वहीं पे मौजूद मिलेगा। आज किस नजरिए से दुनिया हमें देख रही है, खुदा की कसम, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे हटिए, जब बड़े बड़े पंचायत होते थे उस वक्त तक कोई फैसला नहीं होता था जब तक वहां कोई मुसलमान फैसल की हैसियत से मौजूद नहीं, फैसला करते थे। गैर की बात कर रहे हैं, पंचायत हो रही है, फैसल, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, करीब आ जाओ, इधर से आ जाओ। आजा भाई आप करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, पीछे से आगे आओ भाई, हजरत आ गए, सैयद साहब की ज़ियारत तो करो, चलो करीब आओ, करीब आ जाओ। सामने आ जाए, चलो सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बस हजरत आ गए, हजरत की जियारत कर लो, दो से चार मिनट आज मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, माशाल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो आले रसूल जिंदाबाद, जोर से बोलो आले रसूल। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, हजरत की इजाजत है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो हुजूर सैयद साहब की बिला, इतनी आवाज है। खानकाहे बुखारिया, खानकाहे बुखारिया, शेखे शरीयत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत की ज्यारत करो, कहां गए वहां सरफराज साहब? ये काम तो आपने सोने पे सुहागा कर दिया, माशाल्लाह। आपने दर वाले को भी बुलाया है और घर वाले को भी बुलाया है। हम लोग दर वाले हैं, ये घर वाले हैं। अब एक शेर पढ़ते हैं, इजाजत है मास्टर फरहत साहब? फरहत साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुजूर सैयद साहब के कदमों का बोसा लेकर के, हजरत की दूसरी जियारत है वो, आगे साल मुहर्रम के मौके से बंगाली में कहीं हजरत की जियारत हुई थी, हजरत की जियारत हुई, काफी दुआएं दी थी। अब एक शेर सुन लीजिए, मौलाना सरफराज साहब के वाली साहब का जनाजा रखा हुआ, सिकंदर साहब, सिका असल मजमा कम रहता है तो नाम क्या पूरी तकरीर हम गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता ही है ना, माशाल्लाह। एक मर्द सुभानअल्लाह कह दिए नहीं तो फिर नाम गड़बड़ाएगा, अरे मैं फिर जोर से बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आले रसूल आ गए बज़्मे रसूल में, हीरे चमक रहे हैं मदीने के धूप में। किसी ने कहा था इस्लाम का कानून फिका का उसूल है, अर्शे बरी से ऊपर कदमे रसूल है, खुशबू बता रही है कि जहरा का फूल है, सूरत बता रही है कि औलादे रसूल है, सूरत।
सूरत बता रही है के औलादे रसूल है। मसलके आला हजरत औलादे अली औलादे रसूल, नारे तकबीर नारे रिसालत। माना सिकंदर साहब के अब्बा का जनाजा रखा हुआ है, जा रहे हैं, आवाज आ रही जनाजे से, सिकंदर मैं जा रहा हूं मगर मेरे जाने की शान तो देख ले, किस शान से जा रहा हूं के खुशबू में। बोलो 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 बोलो, हजरत को गवाह बना लो, गवाह बना लो, बोलो जोर से। इनके वाली साहब का जनाजा तैयार है, जा रहा है, जनाजे से आवाज आती है, ए सिकंदर मैं जा रहा हूं मगर मेरी शान तो देख के खुशबू में बसे काफूर माले नेमत ये कहा चुपचाप चले के चादर भी आए हाय हाय के चादर भी नई कुर्ता भी लाया। अरे क्या शान है मेरे जाने की के चादर भी। अब एक शेर सुनो, एक शेर सुनो। जब ये जिंदा थे मौलाना सिकंदर साहब के अब्बा, अगर इनको पालो जुरी जाना था, किसी को हाथ देते कि थोड़ा लिफ्ट दे दो पालो जुरी जाना है, कहता टाइम नहीं है। किसी मोटरसाइकिल वाले को साइकिल वाले को लिफ्ट देते, जब तक जिंदा थे कोई हाथ नहीं देता, मगर इंतकाल हो गए। इंतकाल के बाद इनकी अहमियत देखो के कांधे पे लिए अहबाब चले। अरे आराम से क्या धीरे धीरे जनाजा जा रहा है, जनाजा जा रहा है। कोई कहता है जल्दी करो, कोई कहता है आहिस्ता करो। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सिकंदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने वालिद की मगफिरत की दुआ के लिए अपने बज़्मे रसूल में एक औलादे रसूल को बुलाया है। ये दुआ करेंगे सब लोग आमीन कहेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है। हजरत दुआ करेंगे, लोग आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला जरूर इनकी वालिद की मगफिरत फरमा देगा, जरूर मगफिरत फरमा देगा। इसलिए एक आदमी भी नहीं जाइएगा, हजरत वाज़ो नसीहत फरमाएंगे, दुआ करेंगे, जियारत कीजिए, इनके हाथों का बोसा लीजिए, कदमों का बोसा लीजिए। वाकई ये लोग ओरिजिनल सैयद हैं, वरना कुछ लोगों को तो हमने सैयद बनते देखा है। हाँ, मैंने देखा है ना, एक बैग ऐलान हो रहा है एक जलसे में फलाने सैयद साहब, जैसे लगा कि हम खुदकुशी कर रहे हैं। दूसरे से हसम नसब का मुतालबा नहीं होगा, मगर इनसे हम कह सकते हैं कि हजरत थोड़ा आप दिखाइए ना अपना अपना नसब नामा दिखाइए। माना सिकंदर साहब से नहीं मांग सकते, इनसे नहीं मांग सकते, मगर आला हजरत ने लिखा है कि सैयद साहब है तो उनसे नसब नामा देख सकते हैं। जो ओरिजिनल सैयद होगा कभी दाएं बाएं नहीं जाएगा। सब बदलिए मगर खुदा के वास्ते बिरादरी मत बदलिए, बिरादरी मत बदलिए। अब सब हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, चिट्टे हो सकते हैं, बहुत काबिल हो सकते हैं, मुफस्सिर मुफ्ती हो सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह के घर के नहीं हो सकते। इसलिए कभी अपना अपनी बिरादरी नहीं बदलनी चाहिए। जो हो वो बोलो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल सैयद की आप जियारत कर रहे हैं, इनसे दुआ ले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार नबी करीम के सदके मौलाना सिकंदर साहब के वालिद की कब्र पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत शबनम बनकर शबो रोज इनके वालिद के कब्र अनवर पर बरसती रहे और अल्लाह बाल बाल मगफरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाहुम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।